कर लीजिए तैयारी पैसे की, और 2024 आने से पहले टाटा मोटर जो ये प्राइस दिख रहा है आपको 646, और इसीलिए हमने इसको पिंक में कर दिया दोस्तों। ये स्टॉक, ये जो दिख रहा है आपको 2021 में, ये दिसंबर 2021 में 494 रुपया का था 21 में, जबकि चैनल हमने बनाया था जनवरी में। और जनवरी की बात करेंगे हम तो ये 190 के आसपास था। वही दिसंबर 2020 की बात करेंगे तो ये 90 रुपये के आसपास था। चलिए अब तो बीत गया जो बीत गया, अब क्या करना दोस्तों। इस स्टॉक को अगर आप ले कर रखें तो कोई बात नहीं है, ले कर रखे रहिए, लेकिन अगर एक शेयर में 200 रुपये कमाई करना है दोस्तों तो डेढ़ महीना इंतज़ार कीजिए। डेढ़ महीना इंतज़ार करने के बाद एक शेयर 200 रुपये का प्रॉफिट देने के लिए तैयार हैं। कहाँ खरीदेंगे चलिए मैं बता देता हूँ आपको। ये जो 494 दिख रहा है आपको, इसमें 26 रुपया और जोड़ दीजिए, 520 रुपया पे नए लोगों की बात है जब एंट्री करना है। और 500 रुपया का 520 रुपया इसको आना ही आना है। और यहाँ तीन तरफा कमाई टाटा मोटर्स में बहुत बड़ी खुशखबरी, डेढ़ महीने बाद तीन तरफा कमाई दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। पहली कमाई है डेढ़ महीने बाद बाई करना है, अभी बाई नहीं करना है, ठीक है, 520 रुपया पे। अब 520 रुपया पर ख़रीदारी करेंगे और होल्ड करेंगे कितना दिन, 7 महीने। 7 महीने बाद ये आएगा आपको 770 रुपया, ठीक। दूसरी कमाई है, जब 520 रुपया आता है तो उसी दिन से फ्यूचर में बाई, ऑप्शन के पुट में कॉल बाई और इंट्राडे में 770 आने तक करो खूब कमाई। अगर पहली बार आए हमारे चैनल पे दोस्तों तो आप सभी दोस्तों को बहुत बहुत स्वागत हमारे चैनल पे। MBA BK सिंह की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं आपको और आपके पूरे परिवार को दीपावली की एडवांस में। चलिए दोस्तों अब आपको मैं बता दूं, टाटा मोटर्स की बात हो गई, एक भी स्टॉक बेचना नहीं, और ये स्टॉक आपको ज़्यादा नहीं 8 महीने बाद बहुत एक अच्छी कमाई करके देने वाला है। जो भी पेशेंस रखेंगे उनको ये अच्छा प्रॉफिट देगा, बहुत बढ़िया स्टॉक है। क्योंकि इसकी प्लानिंग और इसकी योजना नहीं मालूम है तो आपको बता दूं, ये एयरलाइंस, डिफेंस और इंडिगो के साथ मिलकर बहुत बड़ा इसका प्रोजेक्ट चल रहा है। और इसका अभी देखने को जो मिल नहीं रहा, चल रहा है लेकिन आपको देखने को नहीं मिल रहा है। और ये स्टॉक जल्दी ही 4 डिजिट में जाने की तैयारी कर चुका है, शायद आपको अभी नहीं दिख रहा है। कितना डिजिट दिख रहा है
ये डिजिट दिख रहा आपको, तीन डिजिट, 1 2 3, फोर डिजिट का मतलब जानते हैं क्या, 4 अंक में, 1000 के पार। और ये हमारी जिम्मेदारी है 1000 पार कराना, ये भी जान लीजिए। चलिए दोस्तों, ये तो हो गया, आ जाइए एक स्टॉक की और बात करेंगे हम। हाँ देख लीजिए, यहाँ पे ये हमने ला कर रख दिया था, डर यहीं पे है 550 की, तो इसलिए 520 पे हमने आपको कर दिया खेल। आज ये दूसरी तरफ बता दूँ, ये नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का पोर्टल है, 646 का प्राइस पे बंद हुआ था फ्राइडे को, और इसमें बाइंग करने वाले 2045 क्वांटिटी अभी भी ख़रीदने वाले 647 रुपया पे, और इसके उस दिन की वॉल्यूम था वो भी देख लिया जाए। वॉल्यूम था इसका दोस्तों 2,30,87,856। टाटा मोटर की इतनी बड़ी क्वांटिटी इस महीने आपको देखने को नहीं मिलेगा, 2,30,87,856 करोड़ का इसका वॉल्यूम था, ये ट्रेडिंग वैल्यूम, ये आपको जो दिख रहा है ट्रेडेड वैल्यू लाख में ये अमाउंट है, आप देख सकते हैं, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार दस हज़ार लाख, 1,50,000 करोड़, मतलब कि 150 करोड़, अब जोड़ लीजिए लाख में है ये, तो 1,50,000 मतलब 150 करोड़, 150 करोड़ का खेल हुआ। अब आइए दोस्तों, दिवाली स्पेशल पिक्स स्टॉक अपने रडार पर ज़रूर रख लीजिए, एक्सिस बैंक, DLF, पावर ग्रिड स्टॉक, और ये चोला सिक्योरिटीज़ के अनुसार ये आपको ये दे रहा है। दूसरी तरफ टॉप पिक्स गोदरेज प्रॉपर्टीज, NMDC, MRF टायर और बलरामपुर चीनी मिल के साथ एक्सिस बैंक ये भी दे रहा है। पॉलीकैप, UBL, SBI लाइफ, एक और दे रहा है, एक्सिस बैंक ये भी दे रहा है, टेक महिंद्रा, वेदांता लिमिटेड, डेल्टा कॉरपोरेशन, ONGC और टोरेंट फार्मा के ये पिक स्टॉक्स। दूसरी तरफ एक दे रहा है एशियन पेंट, एक्सिस बैंक ये दे रहा है, सभी के सभी एक्सिस बैंक दे रहे हैं, टेक महिंद्रा भी दे रहे हैं, वोडाफोन आइडिया, SCC सीमेंट, और कुछ तो दे रहे हैं, वाह क्या गजब का, सभी ब्रोकर हाउसेस दे रहे हैं एक्सिस बैंक को 5 स्टार, एक्सिस बैंक, टेक महिंद्रा, TCS, IRM एनर्जी और जुबिलेंट फूड वर्क। कुछ और ब्रोकर हाउस देख रहे हैं क्या गजब का, सभी के सभी ब्रोकर हाउस एक्सिस बैंक को टॉप में रखे हैं, टेक महिंद्रा, हीरो मोटर कॉर्प, सोना, कॉमस्टार। और आ गया दोस्तों 84 रुपये का ये शेयर, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है और इसका नाम है मोशिफ टेक्नोलॉजी लिमिटेड, जी हाँ, और ये स्टॉक आपको तैयार है 120 रुपया जाने के लिए, तो आप इसको बाई करके होल्ड करके, टाइम इसका नहीं है दोस्तों, लेकिन हाँ ये गारंटी है कि 120 रुपया तक आपको 40 रुपया का प्रॉफिट देने वाला है, मतलब कि आपको 50%, मतलब 80 रुपये का स्टॉक 120 रुपया आपको होने वाला है। इसका नाम है मोशिफ टेक्नोलॉजी लिमिटेड, सस्ता स्टॉक, बढ़िया है। इस स्टॉक को यहाँ पे आपको दिखा रहे हैं
अब देखिए कैसे जाएगा ये, हम जानते हैं कहाँ जाएगा। ये 60 रुपया का, फिर ये 80 रुपया का, ये 100 रुपया का। अब ये नीचे आया, यहीं पे ख़रीदना है, और 120 रुपया। ये आपको पूरा हम आपको शॉर्टकट में बता दिए, जो हम करते हैं वो हमें करने दीजिए, धीरे धीरे आप भी सीख जाएंगे कि हम कैसे करते हैं क्या करते हैं। चलिए दोस्तों, तो ये हो गया, आपको बढ़िया एक स्टॉक मिल गया इस वीडियो में। अच्छा, दूसरी बात, इसकी पूरी कुंडली भी बता दूं आपको, मोसिप टेक्नोलॉजी का, तो आप देख लीजिए इसका मार्केट कैप है 1506 करोड़। करंट प्राइस देख ही रहे हैं आपको, करंट प्राइस है 115 रुपया का हाई बनाया है, 56 रुपया का लो इसका है, सीधे आधा लगभग। प्राइस अर्निंग की बात करेंगे तो 148 रुपया का प्राइस अर्निंग है, बुक वैल्यू इसका 11.50 रुपये का है। कुछ भी स्टॉक में कुछ होता है तो 11.50 रुपये आपको देने के, डिविडेंड कुछ नहीं है। ROCE यही एक डर पैदा कर रहा दोस्तों, बहुत कम है, 15 से ज़्यादा होना चाहिए था। तो मेरी राय है कि थोड़ा सा इंतज़ार कर लीजिए, नहीं तो ये लंबा इंतज़ार करा देगा। अरे वाह, ROE भी कम है, तो दोस्तों ये इंतज़ार कर दीजिए, कम से कम 12 ROC और 10 के आसपास ROE आता है तब इसकी बाइंग करिएगा, अभी रहने दीजिए, ठीक है। मोसिप का आज ये दोस्तों, मोसिप टेक्नोलॉजी का ये आपको पूरा कुंडली हमने बता दिया। अब आइए दोस्तों, इसकी इसी से इसके पीयर्स कौन कौन है। एक स्टॉक है जो आपको ज़रूर इसको ख़रीदना चाहिए, भले महंगा है, कहा था कि महंगा एक बार सस्ता बार बार, इसमें आपको ज़रूर देखना चाहिए कि ये स्टॉक जो है क्यों हम आपको एडवाइस कर रहे हैं। तो दूसरी बात कहते हैं कि सबसे पहले क्या है, इसका नाम पहले जान लीजिए, प्रेसिस्टेंट सिस्टम्स 6286 का स्टॉक है, ठीक है। अभी भी ये सस्ता है, इसको हम कह सकते हैं मिट्टी से भी सस्ता कचड़े के भाव में है, और ये आपको 10:1 का स्प्लिट होने वाला है। ये 10, इसका फेस वैल्यू कितना है, 10 रुपया है, और स्प्लिट जब अगर 1:10 में स्प्लिट हो जाता है तो इसकी प्राइस हो जाएगी 600 रुपया। अगर ये स्टॉक 10:2 में होता है तो इसकी प्राइस हो जाएगी, मतलब कि 5 भागों में बढ़ जाएगा, ये तो हो जाएगा इसका 5 भागों में बटा तो 3000 रुपया हो जाएगा, ठीक है, सॉरी 3000 नहीं होगा, आपको हो जाएगा, हाँ 6×6=30, 3000 रुपया हो जाएगा, आधा भाग में बढ़ जाएगा 5 अगर फेस वैल्यू हुआ तो। अगर इसका फेस वैल्यू 1 रुपया हुआ तो 600, 5 हुआ तो 3000, और सॉरी 2 हुआ तो 3000, और 5 हुआ तो लगभग 150 रुपया, सॉरी 1500 रुपया हो जाएगा। तो ये इसका एक बढ़िया स्टॉक है, और ये आपको ज़रूर देखना चाहिए, ट्रेडर को भी और इन्वेस्टर को, बढ़िया स्टॉक है। दूसरी बात, चलिए टाटा एलेक्सी अगर है तो ज़रूर आप रखिए। हाँ, ओरकेल फाइनेंस सर्विस, इस स्टॉक को आपको अभी नहीं लेना है, ठीक है, सॉरी लेना है इसको, हाँ इसको नहीं लेना है दोस्तों। पीबी फिनटेक कभी सोचिएगा भी नहीं, अभी क्वार्टर रिजल्ट इसका आ जाए तो उसके बाद इसको सोचेंगे, बढ़िया स्टॉक तो है लेकिन इसको अभी छूना नहीं है। कोफोर्ज इंडिया, इस स्टॉक पे नज़र रखिए, कोफोर्ज इंडिया पे, क्योंकि इसकी जो सेल्स है बहुत कम हुआ है और ये माइनस में इसकी सब कुछ अभी है। ये देखिए कोफोर्ज का प्राइस अर्निंग बढ़िया है, इसको रडार पर रखेंगे तो एक ज़रूर एक बढ़िया साबित होगा अच्छा कमाई का। कोफोर्ज को इसलिए कि इसकी जो हम देख रहे हैं ना क्वार्टर प्रॉफिट जो है सबका प्लस में दोस्तों, लेकिन इसका जो है
माइनस में, 10% माइनस में है, और यही एक निगेटिव बातें हैं। बाकी सभी स्टॉक बढ़िया है आईटी सेक्टर के।